हेलो दोस्तों, नमस्ते। मिसा देवी बिन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो चलते हैं आज हम हाईवे तरफ दोस्तों, आइए दिखाते हैं। अब कोहरा देखिए कितना तेजी से है और सामान भी आ रहे बाहर। दोस्तों कोहरा कितना तेज पड़ा हुआ है, देखिए इटे इटे। दोस्तों अब मोड़ वाले हैं, ओस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, देखिए कोहरा इस तरह से बहुत ज़्यादा है। चलते हैं हम लोग। है दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा, बहुत हर घास पे पेड़ पे बहुत पड़े हैं। चलते हैं दोस्तों, ओस ही ओस चलना पड़ेगा हमें आज। आज हम लोग भीग जाएंगे, पर ये राख छिटा गया है दोस्तों सुरक्षा के लिए। चलते हैं हाईवे, हमने बताया। और जो हमने कोहरा बोया था देखिए कितना बड़ा हो गया हमारा कोहरा का पेड़, देखिए वो सोच कितना हो गया। देखो कीड़े पास से एकदम कीड़े दिखाइए, यहाँ है कीड़े, यही खाते हैं दोस्तों पत्तियाँ को। अभी इसमें दवा डालनी पड़ेगी। देखो पत्ती झाझा जैसे खा रहे हैं, इसे कहते हैं झाझा लग गया है। देखिए सब बील कर दिए हैं, घर भी है। तो ओस बहुत ज़्यादा पड़ी है, भयानक ओस। दिन में हम लोग भीज रहे हैं लेकिन फिर भी चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं खेत तक। चलते हैं हाईवे की तरफ दोस्तों, एकदम सीधा इस समय ट्रक की। दोस्तों आगे हम उसर में अपने उसर का गेहूँ हमारा देखिए मस्त है, ये उसर का गेहूँ है दोस्तों। पेड़ वही के नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए तो पहला खेत हमने गेहूँ की दिखाया, अब ये दूसरा है उसर में है दोस्तों। देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा है गेहूँ दोस्तों, अच्छा जम गया, इतना बड़ा बड़ा है। अब ज़्यादा ज़्यादा दो चार दिन में इसकी भराई होगी दोस्तों, तो 4 इंची की हो गई है ना, इतना बड़े आ गया है गेहूँ। लमसम एक बीते एक लमसम आ गया है, देखिए एक बीता है। चलिए तो रास्ता सही नहीं है दोस्तों, हम लोग कम आते हैं, ऐसे है छोड़ा बहुत। चलिए चलिए दिखाते हैं अपना अलसी और जवा। देखिए दोस्तों जवा इस तरह से जमा है, हमने जो दिखाए थे आप लोगों को थोड़ा कच्चा खेत था, लेकिन इस तरह सही जमा है, पूरा अच्छा नहीं जमा है दोस्तों। और अलसी तो भी बहुत छोटा छोटा है, अभी दिख नहीं रहा है ठीक से। तो अब इधर की सब बुआई हो गई है, इसमें गेहूं बोया गया है सब। जब हमारा बोया गया था तो ये पलेवा नहीं हुआ था, उस समय कटा भर था, अभी कुछ कच्चा है, अभी थोड़ा कुछ कच्चा है ढेला है ना दोस्तों। देखिए तो क्या करें, देर हो रहा है, वो दिए अच्छे से जमेगा थोड़ी वो दिए। उधर हाईवे आ गए हम, पास में आए दोस्तों हाईवे के, तो चलते हैं अपने खेत में वहाँ, तो वहाँ से हाईवे नज़दीक है, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए कितना अच्छा पेड़ में लटका हुआ है बांस के, देखिए अच्छे अच्छे बूंद बूंद, और चुभ भी रहा है पानी जितना पड़ रहा है। गिरे देखिए कैसे गिर रहा है, देखिए कैसे बारिश बांस में, बारिश जैसा हो रहा है। चलते हैं दोस्तों आगे खेत में। तो आगे अपने खेत के दोस्तों, चलो चलिए चलते दिखाते हैं, पहले खेत में घुसेंगे इसमें नहीं उतर। तो आइए दोस्तों, बड़ी खुश है, थोड़ा कच्चा हमारा खेत था जब जोता जा रहा था, तो डर लग रहा था कैसा जमे कैसा ना जमे। आइए दिखाते हैं कितना सुंदर हमारा मटर जमा है, ये हाईवे के बगल में है दोस्तों हमारा खेत। बहुत सुंदर
गजब दोस्तों, देखिए सुंदरता की तो मिसाल देनी पड़ेगी, कितना सुंदर जमा है। और देखिए हमारा मटर बहुत अच्छा है। अभी तो दोस्तों लग रहा है इस तरफ नीलगाह नहीं आई है, और इसी तरह अच्छा से खेत हमारा है। देखिए पूरा पूरा जस्ट हाईवे के बगल में है दोस्तों, दो खेत छोड़ करके हमारा ही खेत है। यहाँ से आपको शुरू किए थे जब दोस्तों, जब हमारा मटर बोया गया था यहीं से शुरू किया गया था, तो आप लोग को हम यहाँ से दिखाए थे तब कैसा लग रहा था। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक हम लोग रास्ता पूरा खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे। आप सबकी कृपया रहेगी तो बचेगी, तो आप लोग को फिर दिखाएंगे हम इस तरह से पूरा खेत अपना। चलिए हम चारों कोन दिखाते हैं कितना अच्छा से हमारा चारों कोन है, अच्छे से मटर दिया है। अब डर भी चलते हैं और दिखाते हैं पूरी तरह से चारों कोन। चलिए दिखाते हैं हमें, एक कोन हमने दिखाया दोस्तों, दूसरे कोन को चलते हैं। देखिए मटर हमारा अच्छा है। अब व्यवस्था करनी पड़ेगी दोस्तों नीलगाहों की, क्योंकि बहुत दौड़ रहे कूद रहे हैं। यही हमने जो बांस दिखाया अपना, बांस काट करके हम चारों तरफ बांधेंगे या तो फिर इसी तरफ रख देंगे, यही करेंगे, जरूर करेंगे दोस्तों। अगर काट के रखेंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे हम। आप लोग किसी तरह से हमें हमारे साथ बने रहिए। आइए चारों कोन दिखाते हैं अपने खेत का। मस्त है मटर, हाईवे पर सारी गाड़ियां जा रही हैं दोस्तों आज करते हुए। इधर बड़का बाबू का है दोस्तों, लग रहा है कि मटर नहीं बोए गेहूं बो दिए हैं। ये नीलगांव से डर कुमारे सब मटर कोई नहीं बो रहा है दोस्तों, यहाँ बो दिए गेहूं। उधर बड़के छोटे चाचा को गेहूं बोया गया, उनका भी जम गया है। और बाकी एक दो लोग बोए हैं मटर, अभी जमा नहीं है, सबसे पहले हमारा ही था। तो बहुत वो से दोस्तों बचने के लिए पूरा चाटा वाटा पूरा, देखिए कितना गुड़ में चाटा वाटा लग रहा है, मुर्गी को चाटा कट्टा पहुँच रहे हैं, वो ज़्यादा है ना इसलिए चाटा लग जा रहा है। इस कोन का भी देखिए बटा कितना सुंदर है, वहाँ कौन देखिए थोड़ा सा पानी आ गया है लग रहा है, लेवा का आज हम पूरा कोन घुमा के दिखाएंगे आप लोगों को। तीन कोन, एक कोन और रह गया है दोस्तों, देखिए कितना ही सट के है हाईवे हमारे खेत से। तो हमारे घर वालों को खेत है ये दोनों, और दूसरे खाए दोस्तों बाकी सट में सट के हाईवे। हाईवे की तरफ आने में थोड़ा डर लगता है दोस्तों, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आज आए दिखाने के लिए आप लोगों को, मटर तो आप पूरा दिखाइए फिर मस्त है। चारों कोना अच्छे से है हमारा इस साल, देसी मकोर खेत में दिखाते हैं कितना बड़ा बड़ा इसमें है। खेत काट के समय सीम काट दिए हैं, बड़ा बड़ा है। और इधर देखिए पियारा हमारे खेत में कर दिए हैं, काटे हैं ही खेत में। देखिए चूहे अभी से उड़ना शुरू कर दिए हैं, कितना बड़ा बिल कर दिया है। तो ये चूहे हुए तो और खराब कर देते हैं, मटर खा जाते हैं तोड़ तोड़ के, तो पेड़ भी काट देते हैं। तो दोस्तों हमने आप लोग को घर से इतने दूर पे आए पूरा ग्राउंड दिखाए घूम करके, और चारों कोनों हर सब अच्छा है हमारा मटर, बहुत अच्छा है। अगर नीलगांव से बचा रह गया तो दोस्तों इस साल फिर पैदा होगी अच्छी। आपको दिखाया खेत में ही मूस का बिल है, ये रसान करेंगे जरूर दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाय दोस्तों।